हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशिशेक। तो आज मैं जिस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, इस फिल्म के बारे में आप लोगों को जानकर बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अभी फाइनली होम रिलीज हो चुकी है और ये फिल्म मैंने देख चुका हूँ। इस फिल्म में आपको डार्क हॉरर, स्लैशर, वायलेंस सब कुछ देखने को मिलेगा। तो जो लोग मेरे दोस्त, जो मेरे व्यूवर्स अलग अलग फिल्मों में सब चीजें ढूंढते थे, तो फाइनली उन लोगों के लिए एक ही फिल्म में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इस फिल्म का नाम है रेडी और नॉट। इस फिल्म में हमें नजर आती है समारा वेविंग, एडम ब्रॉडी, मार्को ब्रायन, और इसे डायरेक्ट किया है मैट बेटेनिल और टेलर जिलेट ने। फिल्म की कहानी शुरू होती है एलेक्स और डेनियल से। बचपन में वो अपने आंखों के सामने अपने न्यूली मैरिड अंकल की मौत देखते हैं और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के फैमिली मेंबर्स होते हैं। और इस पर उनकी फैमिली मेंबर्स का ये कहना है कि वो एक अपनी पुरानी रिचुअल निभा रहे। उनकी रिचुअल के तहत ये है कि जब भी उनकी फैमिली में कोई नया सदस्य आएगा, नया मेंबर आएगा, तो वो कुछ इस तरीके का गेम खेलेंगे जिसमें उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और अगर वो उसमें बच जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं बचता तो वो सब कुछ आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। खैर, सीजन जब आगे बढ़ते और अब तकरीबन इस सिचुएशन को 30 साल हो चुके, एलेक्स और डेनियल अब बड़े हो चुके, अब बारी है एलेक्स की शादी की। तो शादी की सेरेमनी में डेनियल मना करता है ग्रेस को। ग्रेस का रोल यहाँ पे प्ले कर रही है समारा वेविंग। तो ग्रेस की शादी हो रही है एलेक्स से, तो डेनियल मना करता है ग्रेस को कि तू शादी मत कर, लेकिन ग्रेस सुनती नहीं है। यही बात एलेक्स भी कहता है कि तू शादी मत कर, लेकिन फिर भी ग्रेस नहीं मानती और ग्रेस एलेक्स से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद फर्स्ट नाइट के दिन वही उनके खानदानी जो रिचुअल है वो शुरू होते हैं और एक तरीके का गेम इसको भी खेलना पड़ता है और वो गेम का नाम होता है हाइड एंड सीक। तो इसको यानी ग्रेस को लगता है कि ये कोई नॉर्मल हाइड एंड सीक होगा, लेकिन ये कोई नॉर्मल हाइड एंड सीक होता नहीं है और इसको भी इस चीज का अंदाजा नहीं होता। इसको अंदाजा तब होता है जब ये गेम शुरू हो जाता है। फिर तो उसके बाद क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ आपको ये मूवी मुझे पर्सनली कितनी ज्यादा अच्छी लगी। तो यार ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट, जो इसका तरीका है, बहुत अच्छा है, कुछ फ्रेश चीज लगी मुझे देखने में। इससे पहले हमने हाइड एंड सीक यानी छुपा छुपी हमने सिर्फ खेला ही था, लेकिन इस तरीके से ना कभी सोचा था ना कभी हमको लगा था कि हम इस तरीके की चीजें भी देखेंगे। फाइनली हम ये इस फिल्म के थ्रू एक ऐसा हाइड एंड सीक देखते जो सच में ना हो तो ही बेटर है। तो वो किस तरीके से लोग खेलते हैं और क्या कुछ होता है एंड में, यार वो देखना बहुत ही रोचक है। और ये फिल्म में आपको कहीं कहीं पे एक हंसी जैसी आएगी, कुछ कुछ सीन्स आपको कॉमेडी लगेगी, कुछ कुछ सीन्स आपको वॉयलेंस और खतरनाक डरावने लगेंगे, कुछ कुछ में आप ऐसा फील करोगे यार ये कैसा बता दिया, ये कैसा हो रहा। तो यार ये फिल्म बहुत ही ज्यादा अलग ही लेवल की फिल्म है और ज्यादा लेंथ नहीं, लगभग 1 घंटे 35 मिनट की फिल्म है। फुल ऑन एंटरटेनिंग मूवी है, ये एंटरटेनमेंट के लिहाज से बनाई गई फिल्म है। और ये फिल्म इंग्लिश में रिलीज हुई है, मगर एक दो साइड पे आपको अनऑफिशियल इसका हिंदी डब देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ये फिल्म वाकई में देखनी तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इस फिल्म की लिंक दे दूंगा, वहां से आके आप इसे ऑनलाइन देख सकते हो। मुझे तो पर्सनली फिल्म अच्छी लगी। और आप बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस से मुझे समारा वेविंग का रोल बहुत अच्छा लगा ग्रेस का, और प्लस यहाँ पे डायरेक्शन भी ठीक ठाक है, ओके है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, सपोर्टिंग कास्ट में सारे के सारे एक्टर्स का काम अच्छा लगा। यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा एडम और मार्क का रोल, यानी कि एलेक्स और डेनियल का, दोनों का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर ग्रेस पूरी की पूरी फिल्म में छा गई है, उनकी मासूमियत, उनका जो फुकार जो भी है, अब मैं सब कुछ बताऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। तो कुल मिला के फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट वाली लगी। अगर आपको देखना, अगर आप लोग भी ऐसी डार्क कॉमेडी, हॉरर, स्लैशर टाइप या वायलेंस टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हो तो ये मूवीज बिल्कुल आप ही लोग के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब, यानी अरहान एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब, तो साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस कर दें। और हाँ, अगर आप लोग के दिमाग में कुछ ऐसी फिल्म है जो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो तो सजेस्ट कीजिए, मैं देख के उसको रिव्यू जरूर करूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। टिल देन।